15 झांसी से, जहां लोगों में आक्रोश है और काफी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश के चलते प्रदर्शन को मजबूर हो रहे हैं। बुंदेलखंड किसान सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाठक की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता कार्यालय मऊरानीपुर में बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया गया, जिसमें बिजली विभाग के द्वारा किसानों का शोषण, किसानों को सिंचाई हेतु कई महीनों से विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद संयोजन समय से नहीं मिलना, डगरवार आदि गाँव में बंद पड़ा पाइपलाइन बनाने का कार्य शुरू कर ट्रांसफार्मर दिलवाने की मांग की। जिला अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने कहा कि हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, के साथ अपने संबोधन के किसानों द्वारा लिए जा रहे संयोजनों बार बार गलत करके परेशान किया जा रहा है, जिससे किसानों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब तक किसानों की समस्या का निराकरण नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। IN7 न्यूज के लिए झांसी मऊरानीपुर से देवेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इसमें जैसे आज की डेट में पले वाले डालना है तो अब विद्युत विभाग सही रूप से बिजली नहीं दे रही है, और किसान जब बिल आता है तो पहुंच जाते हैं, बिल का पर्चा सीधा थमा के रिकवरी निकाल देते हैं, सब कर देते हैं, ये गलत है। और बिजली विभाग में मऊरानीपुर अधीक्षक अभियंता कार्यालय में बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण हो रहा है, धांधली मची हुई है, कई बार विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा है, जिसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर बैठे नहीं, क्रमिक अनशन पर सर। जी, और ये अनशन कब तक जारी रहेगा? ये जब तक किसानों की कोई भी समस्या शेष रहेगी, जब तक ये अनशन जारी रहेगा। मुख्य समस्याएं हैं, किसानों को महीनों विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, किसानों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी समस्या है, अधूरी लाइनें पड़ी हुई हैं, उनका समय से कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है, समय से कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है। तीसरी समस्या है कि किसानों के साथ यहाँ पर बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, किसानों के साथ यहाँ पर नाइंसाफी की जाती है, जो के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर क्रमिक अनशन पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। परिसर में किसान आंदोलन क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, क्या मामला है इनका सर? इनकी विभिन्न समस्याएं हैं और मैं खुद यहाँ पर धरना स्थल पर हूँ, इनके इनकी समस्याएं सुन रहा हूँ, इनका ज्ञापन पत्र भी ले लूँगा। और जैसा कि अधिशासी अभियंता द्वारा आदेशित किया गया है कि जो भी समस्याएं हैं वो आप इनसे ले लें, ज्ञापन ले लें, मुझे अवगत करा दें, चूँकि वो अभी कोर्ट में हैं और उनके आने के बाद ही जैसा भी होगा काम सभी का हो रहा है, क्योंकि स्टाफ की कमी है इस वजह से, और क्योंकि ये किसान खेती से जुड़ा काम है, यहाँ तो रात दिन भी काम करिए तो भी कम है, क्योंकि नौकरी और खेती में बहुत फ़र्क है, यहाँ तो 48 घंटे भी कम पड़ जाएंगे किसान मतलब खेती के काम में, तो मांग में बात करके इसका समाधान निकाला जाएगा। हाँ बिल्कुल निकाला जाएगा, इसीलिए हम धरना शुरुआत होते